हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग एक्सेल में सीखेंगे कि एक्सेल में फिल ऑप्शन का यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों, एक्सेल में वर्क करते समय हमें अक्सर सेल में सीरियल नंबर या डेट को फिल करना पड़ता है। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि एक्सेल में कैसे आसान तरीके से सीरियल नंबर और डेट को फिल किया जा सकता है। दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे सीरियल नंबर एक हेडिंग डाल रखी है और मुझे सीरियल नंबर बनाने हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बनाने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 1 को लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद दोस्तों, हम लोग सेलेक्ट करेंगे 1 को, होम ऑप्शन पे जाएंगे, फिर इसमें फिल ऑप्शन आपको दिखाई देगा। फिल ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सीरीज ऑप्शन पे आना है और इसको क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे आपसे सीरीज इन में पूछेगा कि आपको जो सीरियल नंबर चाहिए वो रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए। हमें सीरियल नंबर कॉलम वाइज चाहिए, इसीलिए आप यहाँ पे कॉलम पर क्लिक कर दीजिएगा। कॉलम पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है टाइप कि जो आपको नंबर चाहिए वो कैसे चाहिए। तो हमें लीनियर वाइज नंबर चाहिए, मुझे एक क्रम बनाते हुए नंबर चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू का मतलब होता है कि आपको जो सीरीज चाहिए उसमें कितने कितने की वैल्यू आगे बढ़े। तो मुझे एक एक की वैल्यू आगे बढ़ाना है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसीलिए आप स्टेप वैल्यू में 1 लिखे रहने दीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछता है स्टॉप वैल्यू। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वैल्यू 20 तक लिखे तो आप स्टॉप वैल्यू में 20 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हमारे सीरियल नंबर 100 तक लिख जाएँ तो आप स्टॉप वैल्यू में 100 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे 20 लिख देते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप 20 लिख के ओके करेंगे, अब आप देख सकते हैं आपके जो सीरियल नंबर हैं वो 20 तक लिख गए हैं। दोस्तों, देखिए कितना आसान है सीरियल नंबर लिखना। दोस्तों, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसी तरह जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे, होम में, फिल के ऑप्शन में, सीरीज ऑप्शन में, ग्रोथ। दोस्तों, लीनियर में क्या होता है, वैल्यू एक एक ऐड करता है, और ग्रोथ में दोस्तों मल्टीप्लाई करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसी सेल चाहिए जो मल्टीप्लाई होते हुए उसका 2 गुना या 3 गुना होके दिखाए सेल में, तब आप ऐसी सिचुएशन में ग्रोथ का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई नंबर टाइप कर लेते हैं दोस्तों, और एक कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें यहीं तक नंबर चाहिए ग्रोथ होकर। तो इसके लिए आप फिर से होम पर जाइए, फिल पे जाइए, सीरीज पे जाइए, और इस बार आप यहाँ पे ग्रोथ पे टाइप कर दीजिए। जैसे आप ग्रोथ पे टाइप करेंगे, आपसे पूछेगा स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आप मल्टीप्लाई एक से करना चाहते हो, जैसे 2 का मल्टीप्लाई जब 1 से होगा तो 2 आएगा, फिर उसका मल्टीप्लाई 1 से किया जाएगा, जितना आंसर आएगा वो टाइप हो जाएगा। लेकिन हम मल्टीप्लाई चाहते हैं 2 से, कि हमारी जो भी सेल हो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर ग्रोथ करें। अब इसको लिखने के बाद दोस्तों, आपको स्टॉप वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कॉलम को कि मुझे कॉलम यहीं तक चाहिए। अब इसके बाद आपको केवल ओके करना है। दोस्तों, जैसे ही आप ओके करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर हर सेल में उसका 2 गुना हो चुका है। जैसे 2, 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, फिर 8 2 जा 16। इसी तरह हमारे इस सेल में 2 की बढ़ोतरी हो चुकी है। दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, जिस तरह आप एक्सेल में अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेट फिलअप हो जाए, उसका यूज़ भी आप लोग फिल ऑप्शन से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने एक डेट डाली, 23 जैन मान लीजिए। अब हम डेटा को पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं कॉलम में, ताकि मैं ये बता सकूं कि मुझे जो डेट फिल्म चाहिए वो केवल इतनी ही चाहिए। इसके बाद आप फिर से होम पे जाइए, फिल ऑप्शन पर आइए, सीरीज ऑप्शन पे आइए, और आप देख सकते हैं कि इसने डेट को पहले से ही सेलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पे डे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। जैसे आप डे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डे बढ़ गए हैं। जैसे 23 जैन था, 24 जैन हो गया, फिर उसके बाद 25 जैन भी हो गया। इसी तरह दोस्तों, अगर हमें वीक डे लिखना होता है, जैसे मान लीजिए हमने फिर से एक डेट दे दी यहाँ पे 23 जैन, तब आप वीक डे भी यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए कि वीक डे क्या होते हैं। दोस्तों, वीक डे हमारे ऐसे वीक के वो दिन होते हैं जिसमें ऑफिशियल वर्क किए जाते हैं, उसको ही हम लोग वीक डे कहते हैं। इसमें सैटरडे एंड संडे ऑफ माना जाता है। दोस्तों, एक्सेल में यही प्रोसेस रिपीट होता है। सेलेक्ट करते हैं,
होम पे जाते हैं, फिल पे आते हैं, सीरीज पे आते हैं। इस बार हमें डे नहीं लेना है, इस बार हमें वीक डे लेना है। वीक डे लेने के बाद ओके कर देना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 23, 24, 25, 26 एंड 27। अब आपका यहाँ पे मिसिंग है 28 एंड 29, जो कि सैटरडे एंड संडे था, इसी वजह से वीक डे ने उसको रिमूव कर दिया है। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक तारीख लिख लेते हैं फिर से एक बार 23 जैन। फिर से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, इस बार हम लोग जाते हैं फिर से होम पर, फिल पर, सीरीज पर, और इस बार हम लोगों को मंथ सेलेक्ट करना है। दोस्तों जैसे ही आप लोग मंथ सेलेक्ट करोगे और ओके करोगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट तो सेम रही पर मंथ हमारे बढ़ते हुए क्रम में आ गए। जैसे 23 जैन था, उसके बाद 23 फेब हो गया, उसके बाद 23 मार्च हो गया। इसी तरह मैंने डेटा जहाँ तक सिलेक्ट किया था वहाँ पर हमारी डेट फिलिंग हो चुकी है। इसी तरह दोस्तों अगर आपको ईयर बढ़ाने हो, डेट और मंथ आपको सेम रखना हो, तब भी आप फिल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फिर से हम लोग डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, होम ऑप्शन पे आते हैं, फिल ऑप्शन में आते हैं, सीरीज ऑप्शन में आते हैं। इस बार हम यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों जैसे ही हम लोग ईयर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, पर हमारा ईयर यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में आ गया। जैसे 23 जैन 2023 था, उसके बाद हो गया 23 जैन 2024 हो गया। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें व अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।